आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स का पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल नंबर। जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो जब हम गिनती गिनते हैं और व्हेन वी काउंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity, तो सभी नंबर्स क्या कहे जाते हैं? नेचुरल नंबर। 1 से लेके infinity तक अनगिनत संख्याएं, तो उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन लिखते हैं नेचुरल नंबर की। द काउंटिंग नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, सो काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब सबसे स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। सो द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1, नंबर इज 1, ओके। एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज, कोई एंड नहीं है गिनतियों का, इसलिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? इनफाइनाइट। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक नेचुरल नंबर एंड हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। सो द नंबर्स और द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज नोन एज होल नंबर, ठीक है। तो अब नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। एंड कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास द स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द ग्रेटेस्ट इज इनफाइनाइट। ओके, सो राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब द नंबर विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्ण संख्या है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। सो वेयर पी एंड क्यू आर दी इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब अगर किसी नंबर को एग्जांपल के तौर पे मैं लिखती हूँ 2, टेल मी वेदर 2 इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो क्या हम 2 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं।
हाउ, अगर मैं 2 by 1 लिखूँ तो इसका मीनिंग चेंज होगा? नहीं होगा. सो 2 इज़ अवर पी एंड 1 इज़ अवर क्यू. सो 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. सो इट इज़ रैशनल नंबर. बट अगर हमारा क्यू 0 हो जाता है, अगर मैं लिखूँ 2 by 0, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता. सो क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता. एंड अब एक और एग्जांपल है, वेदर 0 इज रैशनल और इरैशनल. 0 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज अगर 0 के नीचे हम 1 लिखे तो उसका मीनिंग क्या होता है? 0 ही होता है. तो 0 को भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. सो 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. नोट इट डाउन. ओके, अब हमारे मैथ्स में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं. देर आर बेसिक ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. आई थिंक यू नो दैट देर हिंदी नेम्स. ठीक है, अब हम हर एक ऑपरेशन में ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो देर इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है समवर्त गुणधर्म. ठीक है, अगर हमारे पास x एक रैशनल नंबर है एंड y एक रैशनल नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू समवर्त गुणधर्म, इन दोनों रैशनल नंबर का प्लस भी क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा. ये प्रॉपर्टी कहती है. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे कहा जाता है क्रम विनिमेय का गुणधर्म. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास x एंड y दोनों रैशनल नंबर है, तो अगर मैं x प्लस y लिखूं या y प्लस x लिखूं, दोनों का जो हमारा एडिशन आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ क्रम विनिमेय के गुणधर्म के अनुसार x प्लस y इज इक्वल्स टू y प्लस x. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहचर्यता का गुणधर्म. तो इसमें हमारे पास सपोज 3 रैशनल नंबर है और तीनों का हमने एडिशन किया. हम अभी बेसिक ऑपरेशन एडिशन पे चल रहे हैं, इसलिए हम सभी रैशनल नंबर्स के एडिशन के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर है, तीनों का हमने जोड़ करना है. उसमें हमें सबसे पहले हमने x प्लस वाई का ऐड किया, आफ्टर दैट z का ऐड किया. तो अगर मैं ब्रैकेट चेंज कर दूँ, x को इंडिविजुअल लिखूँ और y प्लस z को इंडिविजुअल लिख के फिर एडिशन करूँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, भले ब्रैकेट चेंज हो जाए. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0 और 0 की भूमिका. मतलब अगर किसी रैशनल नंबर, लेट सपोज x इज अवर रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, अगर मैं उसमें 0 प्लस करती हूँ तो हमेशा मुझे जो रैशनल नंबर मैंने लिया था वही मिलेगा, है ना. अगर आप 2 + 0 करते हो, 3 + 0 करते हो, तो जो ऐड कर रहे हो विद 0, तुम्हें वही आंसर मिलेगा. दैट इज़ योर प्रॉपर्टी ऑफ 0. ठीक है, आफ्टर दैट, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी 0 भी बोलते हैं. ठीक है, आफ्टरवर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मतलब हमें उस नंबर में क्या ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक गुणधर्म. तो अगर लेट सपोज हमारे पास x है हमारा रैशनल नंबर, x क्या है? परिमेय संख्या. तो अगर मैं इसमें माइनस x ऐड करूं, ठीक है, माइनस x ऐड करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. सो x माइनस x, अगर आप किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है? हमेशा 0. तो यहाँ पे हमारे में x का ऋणात्मक और एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस x. तो अगर हमें पूछा हो
कि माइनस वन का एडिटिव इन्वर्स क्या है या माइनस वन का ऋणात्मक क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि ज़ीरो मिलेगा, माइनस वन में हम वन ऐड करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। तो माइनस वन का ऋणात्मक क्या है, वन, या फिर वन का ऋणात्मक क्या है, माइनस वन। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे। ठीक है, सो ओके, तो अब हम हर एक प्रॉपर्टी का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ले रही हूँ 2 एंड y इक्वल्स टू ले लेती हूँ 3। ओके, दीज आर दी इंटीजर। अब हमें ये रैशनल नंबर है या नहीं है, 2/1 3/1 बोथ आर रैशनल नंबर। ठीक है, इसलिए मैंने इंटीजर्स ही लिए हैं। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 + 3 = 5, 5 रैशनल नंबर है या नहीं है, 5/1, सो 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सो द एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो अवर रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर का जोड़ क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर सेम आता है। चेक करते हैं, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, दोनों इक्वल है, सो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आफ्टर दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट सपोज हम z लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 5, 5 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 क्या आएगा आंसर, 2 + 3 + 5 क्या आएगा, 8, 8 + 2 = 10। अब हम ब्रैकेट एक्सचेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 + 3 पहले करेंगे, आफ्टर दैट हम 5 ऐड करेंगे। तो 2 + 3 = 5 एंड 5 + 5 = 10, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है इन एडिशन। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे, ओके, सो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। सो लेट सपोज हम इसमें करते हैं 2 + 0 = 2, मतलब किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो में अगर ऐड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, लेट सपोज 2 है, मैंने 2 लिया, तो मैं 2 में क्या ऐड करूँगी कि ज़ीरो मिलेगा, सो -2 ऐड करूँगी तब हमें ज़ीरो मिलेगा। तो मैं इसको लिखूँगी कैसे कि -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एडिशन का टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, x - y करना है हमें। तो x - y करने से हमें क्या रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता, सो लेट्स डू दैट। x क्या है, 2 - 3, सो वी गॉट -1, सो -1 इज अवर रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है। ओके, सो जब भी कोई रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। आफ्टर दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x - y = y - x, चेक करते हैं होता है या नहीं होता। x क्या है हमारा, 2 - 3 = क्या आएगा, -3 है, 3 बड़ा नंबर है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, एंड प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 = 1, सो वी विल गेट -1 आंसर। अब यहाँ करते हैं RHS साइड, y क्या है हमारा, 3 - 2, तो 3 - 2 क्या आएगा, 1, सो -1 एंड 1 क्या इक्वल है, नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, x - y = y - x। ठीक है, ओके, सो आफ्टरवर्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो देखते हैं, x - y - z = x - y - z। चलो x - y क्या है, x, 2
एंड y क्या है 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस एंड साइन किसका लगेगा माइनस का, 5 प्लस 1 6। नाउ x क्या है 2 माइनस 3 माइनस 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 2 3 माइनस 5 क्या होगा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस 2 4, माइनस 6 और 4 क्या इक्वल है, नहीं है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती, x माइनस y माइनस z इज नॉट इक्वल्स टू x माइनस ब्रैकेट y माइनस z। तो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर स्टॉप करते हैं।